हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आप लाइव प्रोसेस चैप्टर की स्टडी कर रहे हो जो कि है क्लास 10th का। हम लोगों ने एनिमल न्यूट्रिशन की शुरुआत कर दी थी और पढ़ लिया था कि कौन कौन से ऑर्गन्स यूज होते हैं आपके न्यूट्रिशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में। तो चलिए मेरे साथ रिवाइज कीजिए बच्चों। सबसे पहला ऑर्गन क्या था, तो आपका आंसर है माउथ या फिर बकल कैविटी। द सेकेंड वन इज नोन एज आपका ईसोफेगस से पहले आएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आपने क्या पढ़ा, ईसोफेगस। फिर ईसोफेगस के बाद आपने क्या पढ़ा, बोलो बच्चों बोलते जाओ, स्टमक। स्टमक के बाद आपने क्या पढ़ा, तो आपका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या पढ़ोगे आप, तो आपका आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन। और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन के बाद का जो पोर्शन है उसको आप कहोगे एनस। तो इतने सारे ऑर्गन्स आर यूज्ड टू मेक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने में ऑर्गन्स के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो लेट्स अबाउट द ग्लैंड्स। द ग्लैंड आर कॉमन, वेरी कॉमन इन ह्यूमन एंड दे आर, सबसे पहले नंबर पर आप लिखोगे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, अब सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड अगर पॉइंट्स की हम लोग बात करते हो ना, तो सलाइवरी ग्लैंड का पॉइंट होगा They are present in mouth. बताइए सलाइवरी ग्लैंड तो माउथ में ही होगी ना। आप सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम, क्योंकि आप लोगों को शुरू में ही मैंने क्लियर कर दिया था दैट द ग्लैंड्स आर दैट पोर्शन ऑफ दैट पोर्शन इन बॉडी विच सिक्रीट्स एनीथिंग। We secrete tear, we secrete sweat, we secrete milk, we secrete enzymes, we secrete hormones. ठीक है, तो एवरीथिंग इज सिक्रीटेड इन अवर बॉडी, किससे सिक्रीट होती है, तो आपका आंसर होगा ग्लैंड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ के अंदर प्रेजेंट होने वाली ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। इसके अंदर दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, फर्स्ट एंजाइम इज नोन एज लाइसोजाइम एंड द सेकेंड एंजाइम इज नोन एज सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ये दो एंजाइम आप लोगों ने पढ़े। दोनों के फंक्शन देखते हैं बेटा जी। पहले लाइसोजाइम का छोटा सा फंक्शन है दैट इट कैन किल द बैक्टीरिया। अगर हम लोगों ने कोई अनहाइजेनिक खाना खा लिया तो उसमें जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं लाइसोजाइम अपनी ताकत भर से उसको खत्म करने का काम करता है। सो इट हेल्प्स टू किल द बैक्टीरिया, टू किल द बैक्टीरिया विच कम्स फ्रॉम फूड, जो खाने से हम लोगों के शरीर में आता है। सलाइवरी एमाइलेज की बात करें तो सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम होता है इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स शुगर। अगर आप लोगों ने बच्चों देखा हो, अक्सर सुना होगा कि सुना क्या होगा, फील किया होगा कि जो हम लोगों का रोटी अगर हम लोग चबाते हैं, सिर्फ रोटी चबाते हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद हमको थोड़ी सी मीठी लगने लगती है। द रीजन इज दैट कि मुंह में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज, जिसके कारण से जो कॉम्प्लेक्स शुगर रोटी का होता है वो सिंपल शुगर में टूटने लगता है, यानी कि माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है किसका डाइजेशन, तो कार्बोहाइड्रेट का। तो सलाइवरी एमाइलेज काम क्या करेगी मुन्ना, कॉम्प्लेक्स शुगर या इसी को हम लोग कहते हैं स्टार्च, इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर। और ये सिंपल शुगर किस टाइप की होती है मुन्ना, माल्टोज टाइप की होती है। और इसको करने में मदद कौन सा एंजाइम करता है, यही सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम मदद करता है। समझ में आया, माउथ का पीएच 7.4, यानी कि माउथ में जो डाइजेशन हो रहा होता है वो 7.4 पीएच पर हो रहा होता है। क्लियर हो गया, पहला आपको माउथ के ग्लैंड से काम समझ में आ गया। दो प्रकार के एंजाइम है, लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को किल करता है, सलाइवरी एमाइलेज जो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में बदलता है। डेट्स इट, बस इतनी बातें पढ़ी। सेकेंड पे आइए मुन्ना, इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होती, कोई भी ग्लैंड नहीं होती, ग्लैंड होती है। तो सेकेंड ग्लैंड हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब आपको पता है कि स्टमक में मौजूद होने वाली ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के लिए क्या लिखोगे कि दे आर प्रेजेंट इन स्टमक, दे आर प्रेजेंट इन स्टमक।
अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक सेल होती है ऑक्सिंटिक सेल, जो क्या सिक्रीट करती है, तो आपका आंसर है कंसंट्रेटेड एचसीएल। फिर दूसरे नंबर पर आता है चीफ सेल। चीफ सेल सिक्रीट करती है, बेटा इंपॉर्टेंट है, चीफ सेल क्या सिक्रीट करती है, चीफ सेल आपके शरीर में पेप्सिनोजेन एंजाइम सिक्रीट करती है। याद करो यार, धीरे धीरे से याद करना है आपको। तो यहां पर कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। एक्चुअली पेप्सिन एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है, इसका इनएक्टिव फॉर्म कहलाता है पेप्सिनोजेन। अभी आपको समझ में आएगा जब आप डाइजेशन पढ़ रहे होंगे तब। और थर्ड नंबर का जो इसका एंजाइम होता है, मतलब सेल्स होती हैं, वो होती है म्यूकस सिक्रीटिंग सेल। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल ये क्या बनाएगी, ये क्या सिक्रीट करेगी, तो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल आपका म्यूकस सिक्रीट करने का काम करता है। तो आपको क्या पता चला कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सा मेन एंजाइम है, तो आपका आंसर हो गया पेप्सिन। ठीक, आपका आंसर हो गया पेप्सिन। क्लियर। अब ये पेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, ये थोड़ा सा जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तभी इसको कंप्लीट याद कर लेंगे। समझ में आया बच्चों? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन कौन सी चीजें निकल रही है, कंसंट्रेटेड एचसीएल जिसका पीएच होता है 1.5 से 2.5, बहुत हाईली एसिडिक होना, बहुत ज्यादा एसिडिक। कुछ भी आप खाओगे उस सब चीज को गलाने का काम करेगा, यहाँ पर स्टमक में सब कुछ गल जाता है। चीफ सेल में पेप्सिन एंजाइम होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको पेप्सिनोजेन कहते हैं। और म्यूकस सेक्रेटिंग सेल में म्यूकस होता है। थर्ड ग्लैंड पे आइए, थर्ड ग्लैंड में स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए, लेकिन बेटा जी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के पहले दो ग्लैंड्स यूज होते हैं, एक लीवर और दूसरा पैंक्रियास। तो थर्ड ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट द लीवर। थर्ड ग्लैंड कौन सी हो गई, तो आपका आंसर हो गया लीवर। लीवर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। तो इसका आंसर आप सबसे पहले क्या लिखोगे, कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारे शरीर की। फिर दूसरे नंबर पर बात करें कि लीवर कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो लीवर ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है और आपके राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। तो इसका शेप होगा बेटा, ये कुछ इस शेप का होता है ऐसे, और इसके एक नीचे छोटी सी स्ट्रक्चर लटकी होती है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या, गॉल ब्लैडर। ये क्या हुआ, ये हुआ लीवर, और इसके नीचे जो छोटा सा स्ट्रक्चर लटका होता है इसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो लीवर के लिए क्या आप पॉइंट लिखोगे, कि इट इज ट्राइंगल शेप, इट इज ट्राइंगल शेप, कहां प्रेजेंट है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, एंड प्रेजेंट राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। आपके राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में ये लीवर मौजूद होता है। क्लियर हुआ। इसके अलावा लीवर से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं उनकी बात करेंगे, मतलब ग्लैंड है चूंकि। अब देखिए एक बात है, लीवर से निकलने वाला जो चीज है वो एंजाइम के जैसे बिहेव ही नहीं करता, बस जूस निकलता है, और जिसको हम लोग कहते हैं बाइल जूस। तो लीवर सिक्रीटेड, देखिए इट सिक्रीटेड, इट सिक्रीटेड, तो आपका आंसर हो जाएगा बाइल जूस। बाइल जूस इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बाइल जूस कोई एंजाइम नहीं है, ये एक जूस टाइप का स्ट्रक्चर है, एक फ्लूड लाइक का स्ट्रक्चर है जो डाइजेशन में मदद करता है। और काहे के डाइजेशन में मदद करता है, तो आपका आंसर है फैट के डाइजेशन में। समझते हैं, इट्स सिक्रेटेड बाइल जूस, क्लियर लिखते रहे, नॉट एन एंजाइम, इट इज, ये कोई एंजाइम नहीं है, ये सिर्फ जूस है। विच हेल्प्स इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, यानी कि ये फैट को इमल्सिफाइड करता है। मैम इमल्सिफिकेशन समझ भी नहीं आया, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल में बदल देना, और अब ये छोटा फैट मॉलिक्यूल कुछ एंजाइम्स होते हैं उसकी सहायता से डाइजेस्ट हो जाते हैं। सो
सेक्रेटेड बाइल जूस विच हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्या बोला, कन्वर्टेड लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया शाबाश। तो ये तीन आपने ग्लैंड पढ़ लिया, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर। दो ग्लैंड्स बची हैं, एक पैंक्रियास और एक स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स। सो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, वेरी गुड। अब हम लोगों को पढ़ना है अबाउट पैंक्रियास। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है, चौथे नंबर की ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड आएगी आपकी पैंक्रियास। पैंक्रियास की अगर हम लोग बात करें तो ये भी बड़ी ग्लैंड है, लीफ के पास है, प्रेजेंट काम होती है इसकी बात करते हैं। तो तीसरे नंबर पे हो गया, चौथे नंबर की हेडिंग है पैंक्रियास। पैंक्रियास कुछ बातें करते हैं बेटा, जो स्टमक होता है, स्टमक से ही लगा हुआ कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैंक्रियास। ये स्टमक के दोनों तरफ मौजूद होने वाली स्ट्रक्चर है। तो हम लोग लिखे शुरू करें, क्या समझा आपने कि इट इज, ये भी एक ग्लैंड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बीनीथ द स्टमक। आपके स्टमक के नीचे ये मौजूद होने वाला स्ट्रक्चर है। अब इसके पास से निकलने वाली जो ग्लैंड्स, मतलब पैंक्रियास में पैंक्रियाटिक ग्लैंड होती है, उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स है उनको सीखते हो ना। पहला एंजाइम होगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज वही याद करो जैसे सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवा में एमाइलेज क्या काम कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करा रहा था, वैसे पैंक्रियास भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराएगा। सेकेंड नंबर पे आएगा पैंक्रियाटिक लाइपेज। थर्ड नंबर पर आएगा ट्रिप्सिन। और फोर्थ नंबर पर आएगा न्यूक्लियस। ये इतने प्रकार के एंजाइम आपके पैंक्रियास में पाए जाते हैं, जो शुगर को डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। लिख दे रहे हैं शुगर डाइजेस्टिंग एंजाइम, याद रखो बेटा, डायरेक्टली आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि राइट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑफ पैंक्रियास, याद रखने पड़ेगा आपको, वरना फिर चीजें टिपिकल हो जाएंगी। याद रखो ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और एक और आपने लिखा न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो इस तरीके से चार आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियास में। नेक्स्ट ग्लैंड किसमें होगी, तो आपका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए देखिए, अगर पांचवें नंबर पे आते हैं, पांचवें नंबर पर, तो पांचवें नंबर की जो ग्लैंड है वो ग्लैंड कहलाती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जो कहां मौजूद होती है, तो आपका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, तो आपका आंसर है इंटेस्टाइनल जूस। तो इट इज प्रेजेंट इन कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर रखा था लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन में उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और आप लोग को ये लाइन लिखवा चुके हैं, याद कीजिए, फिर से बोल रहे हैं दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। बच्चा यहां पर अगर एक बार खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया ना, तो कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा उसका। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड में क्या, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिक्रीट्स क्या, तो आपका आंसर हो जाएगा इंटेस्टाइनल जूस विच कंटेन्स, जिसमें क्या क्या होते हैं, विच कंटेन्स, यार फाइनली ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो फाइनली ब्रेक डाउन सभी चीजों का करोगे कि नहीं, तो आपका आंसर होगा एमाइलोलिटिक एंजाइम। एमाइलोलिटिक का मतलब मैंने आपको बताया था लिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ओके, एमाइलोलिटिक एंजाइम। फिर कौन आएगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। फिर कौन आएगा, लाइपोलिटिक एंजाइम।
और फिर कौन आएगा बोले लाइपोलिटिक एंजाइम, फिर कौन आएगा न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड न्यूक्लियोटाइडेजेस, यानी कि ये दोनों क्या है न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो सबसे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है। तो एमाइलोलिटिक एंजाइम बेटू क्या चेंज करेगा किस में, तो आपका आंसर है कन्वर्टेड इन फाइनली चुकी डाइजेशन हो रहा है तो सबसे सिंपल पार्ट में डाइजेशन होगा कि नहीं, डाइजेशन का मतलब ये एकदम सिंपल पार्ट में डाइजेस्ट हो जाए और स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो कन्वर्टेड इन किस में बेटा जी, इन ग्लूकोज, शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन ऑफ, ऐसे लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट किस में बेटा, ग्लूकोज, फाइनली किस में कन्वर्ट मार देगा, ग्लूकोज में। प्रोटियोलिटिक कन्वर्जन ऑफ काय का काय में, प्रोटीन का, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन का काय में मुन्ना, तो आपका आंसर होगा अमीनो एसिड, यार बहुत अच्छी चीज है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड से छोटा प्रोटीन का कोई पार्टिकल नहीं होता। लाइपोलिटिक में पढ़े कन्वर्जन ऑफ लिपिड इन बोलो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक, और यहां पर कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन फाइन पार्टिकल में कौन कौन आएगा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लिक एसिड के छोटे पार्टिकल्स होते हैं। खत्म होता है यहां पे, हमें स्टार्ट करना है अबाउट मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में कुछ स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। सो द नंबर वन स्टेप इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को इंटेक करना माउथ में, सो द इंटेक ऑफ फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। अब माउथ में क्या क्या होता है, माउथ में होते हैं टीथ और टंग, टीथ की सहायता से उस खाने को मेस्टिकेटेड किया जाता है और मतलब चबाया जाता है, उसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है और सलाइवा इस छोटे टुकड़े को आपस में एक लुगदी जैसा स्ट्रक्चर बना देती है जिसको बोलस कहते हैं, जिसके कारण उसको उस मटेरियल को गले के अंदर ले जाने में इजीएस्ट हो जाता है और देन बोलस इज स्वालोड आप लोगों के अंदर फूड पाइप में। सो देखिए मॉइस्चर विद सलाइवा एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड बोलस एंड देन इट स्वालोड, इंजेशन हो गया। सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम लोग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के फॉर्म में खाते हैं उसको फाइन पार्टिकल्स में, उसको सिंपल पार्टिकल्स में, उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म तक कन्वर्ट करना इज कॉल्ड डाइजेशन। सो वी नो अबाउट वेरिएबल कि माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सो द माउथ कॉम्प्लेक्स शुगर इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज सलाइवरी एमाइलेज। आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है और सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम का नाम सलाइवरी एमाइलेज व्हिच हेल्प्स टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स शुगर इन सिंपल शुगर, क्लियर। नेक्स्ट द स्टमक, आप देखिए उसके पार्ट्स की बात करें, फेरिंग्स आता है, इसोफेगस आता है, मैंने बोला था उसमें कोई भी आपका डाइजेशन के स्टेप्स नहीं होते, उसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, दैट्स व्हाई नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेरिंग्स एंड स्टमक, इसोफेगस। नाउ इन स्टमक व्हेन डाइजेशन इज प्रेजेंट, कैसे डाइजेशन होता है, यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं आप लोगों को क्लियर किया गया था, यहाँ पर HCl होता है, म्यूकस होता है और इनएक्टिव पेप्सिनोजेन होता है। सो द इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम विद द हेल्प ऑफ एसिड व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट्स पीएच इज 1.5 to 2.5, वी शो दैट इट इज हाईली एसिडिक, क्लियर। हाईली एसिडिक मीन्स एवरीथिंग विच कम्स इन स्टमक इज डाइजेस्टेड। प्रोटीन, नाउ ये जो पेप्सिन एंजाइम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है किसमें, पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स में कौन कौन आएंगे, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओसेस। थोड़ा सा कम अभी फाइन, देखो अमीनो एसिड में डाइजेशन नहीं हुआ, मैंने आपको जब स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया था कि उसके एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं फाइनली अमीनो एसिड में, क्योंकि प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट क्या होता है, बोलो अमीनो एसिड। तो प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओसेस में टूटता है। तो ये छोटा सा डाइजेशन कहां हो गया मुन्ना, स्टमक में। आप फंक्शन ऑफ HCl और फंक्शन ऑफ म्यूकस भी लगे यहां समझ लेते हैं।
टू मेक फूड मीडियम एसिडिक, HCl है तो फूड मीडियम को एसिडिक बनाएगा जहां सब कुछ डाइजेस्ट होने की कैपेबिलिटी जिसमें होती है। फिर टू कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव पेप्सिन, हम लोगों ने देखा है अगर HCl ना होता इस वक्त में तो जो एंजाइम है भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला वो एक्टिव ही ना होता। सो द फंक्शन टेक्स इंपॉर्टेंट रोल किसका, HCl का। थर्ड पॉइंट, टू किल द बैक्टीरिया कम्स फ्रॉम फूड, अगर फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं तो उसको किल करने की क्षमता भी कौन रखता है, आपका कंसंट्रेटेड HCl। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ म्यूकस, बच्चों जैसे मान लीजिए ये आपका स्टमक है तो उस स्टमक के अंदर से कौन कवर करके रखेगा, तो आपका आंसर है वो स्टमक को कवर करके रखेगा म्यूकस। भैया HCl इतना तगड़ा HCl है कि अगर उसको निकाल के मुंह पे मारा जाए ना तो मुंह जल जाए किसी का। अब इतना HCl हम लोगों के बॉडी के अंदर क्यों नहीं कोई नुकसान पहुंचाता, क्यों, क्योंकि वहां पर म्यूकस होता है। सो द फंक्शन ऑफ म्यूकस इज दैट प्रिवेंट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। क्लियर, तो आप लोगों ने स्टमक का डाइजेशन कंप्लीट किया, अब हम लोगों का डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी नाइस। स्टार्ट करना है अबाउट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोगों ने डाइजेशन माउथ में पढ़ लिया, हम लोगों ने डाइजेशन स्टमक में पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा डाइजेशन के लिए हम लोगों ने क्लियर कर रखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से बाइल जूस कलेक्ट होता है और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस होता है और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस खुद निकलता है। इसलिए जो भी कुछ डाइजेस्ट होना होता है ना वो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, वो ना स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो वी लर्न अबाउट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस एंड इट्स ओन एंजाइम मेक द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। सो द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन इज नोन एज, आपका आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आपने लिखा कि जो लीवर आ रहा है फ्रॉम लीवर है ना, लीवर से आता है ना, तो फ्रॉम लीवर बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना। अब इस छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल को लाइपेज आसानी से डाइजेस्ट कर देगा उनके छोटे पार्टिकल में, विच इज नोन एज डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, या फिर हम लोग कंबाइन ही कह सकते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, पैंक्रियाटिक में क्या होता है, पैंक्रियास से कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, तो आपका आंसर है ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। क्लियर है बच्चों, तो इसमें प्रोटीन इज डाइजेस्ट इनटू अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्ट इनटू ग्लूकोज एंड इमल्सिफाइड फैट, मैंने फैट नहीं बोला, पहले इमल्सिफिकेशन हुआ अब उस फैट का डाइजेशन कौन करेगा, तो आपका आंसर है पैंक्रियाटिक लाइपेज, किसमें, डाइग्लिसराइड, जो कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं और फाइन पार्टिकल में डाइजेशन हो गया। अब इंटेस्टाइन के खुद के एंजाइम्स हैं, उसमें कौन कौन से एंजाइम, बेटू बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, आपके 10th के लेवल पर उतने सारे एंजाइम्स नहीं बता रहे, फिर भी मैंने लिख दिया, कंफ्यूज मत होना। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सब एंजाइम है जो माल्टोज को डाइजेस्ट करते होंगे, सुक्रोज को डाइजेस्ट करते होंगे, लैक्टोज को डाइजेस्ट करते होंगे। ये सब क्या है, ये सब मिल्क शुगर है या फिर आपका माल्ट शुगर होता है जो कि सीरियल में पाया जाता है, अनाजों में पाया जाता है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिल्कुल मत होना, सिर्फ इतनी बात याद रखना कि जो माइनोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को फाइनली किसमें कन्वर्ट करते हैं, आपका आंसर है ग्लूकोज। बस एक बात याद रखना है कि इंटेस्टाइनल एंजाइम में जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेकिंग एंजाइम होता है उसको हम लोग माइनोलिटिक एंजाइम्स कह सकते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली कन्वर्ट किसमें करता है, तो आपका आंसर है ग्लूकोज में। क्लियर, सेकेंड नंबर पे आएगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम विच कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। So the proteolytic enzyme is converted protein into amino acid. And the last one is called as lipolytic enzyme which converted ये जो diglyceride यहाँ पर आए हैं उस वाले fat को किसमें तोड़ेगा बच्चों, तो monoglyceride में तोड़ेगा या फिर हम लोग कह सकते हैं fatty acid and glycerol में तोड़ेगा। तो भैया सब कुछ तो टूट गया आपने अपने fine particles में, अब उन fine particles को हम लोगों को body में absorb कराना है। सो द थर्ड स्टेप ऑफ द डाइजेशन या फिर मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज, मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ इंजेशन, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ डाइजेशन, इसको स्क्रीन शॉट लीजिए। ओके, अब हम लोगों को थर्ड स्टेप पढ़ना है अबाउट, थर्ड स्टेप बच्चों हमको पढ़ना है अबाउट एब्जॉर्प्शन। इसके बाद फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन एंड द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड इंजेशन। फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप
कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज इंजेशन, जिसमें हम लोग खाने को मुंह में लेते हैं और उसको स्वेलो करते हैं। सेकेंड स्टेप आपने पढ़ा डाइजेशन, जिसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। थर्ड स्टेप में हमको पढ़ना है एब्जॉर्प्शन। बच्चों एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ऐसी होती है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जनरेट हो जाते हैं और इनको हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल विलाय। देखिए लिखा होगा कहीं, नहीं लिखा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट या पर कॉल्ड इंटेस्टाइनल विलाय, इसको हम लोग इंटेस्टाइनल विलाय, बहुत जगह पर स्कूल में विली विली बोल देते हैं, आपको जो इच्छा हो आप बोलिए। इंटेस्टाइनल विलाय इज प्रेजेंट, जो सरफेस एरिया बढ़ाता है, सरफेस एरिया जिसका जितना ज्यादा होगा बेटा एब्जॉर्प्शन भी तो उतना ही ज्यादा होगा। देखिए अच्छा, जैसे कोई चीज अगर आपकी देखिए कोई चीज अगर आपकी ऐसे दे रखी है तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन यहाँ होगा और यहाँ होगा बस। लेकिन अगर इसी चीज को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया तो देखो अब यहाँ पर पूरा एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ पर इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा। तो कभी भी किसी चीज को मोड़ दिया जाए, फोल्ड कर दिया जाए, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, सरफेस का एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण जो उसका काम करने का जो स्टैंडर्ड है, जैसे विलाई के पास काम करना है कि उसको फूड को एब्जॉर्ब करना है तो वो अच्छे से फूड को एब्जॉर्ब करेगी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल विलाई व्हिच हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड इन ब्लड कैपिलरीज। सब सिंपल सी बात है बच्चों, ये आपका इंटेस्टाइनल विलाई है, ये आपका इंटेस्टाइनल विलाई है, इसके आसपास ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये खाना यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं। डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इज नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में भर के डाइजेस्टेड फूड मौजूद है, उसको ब्लड कैपिलरीज में भेजना है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस अप्लाई होकर वो डाइजेस्टेड फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई पार्ट में एब्सॉर्ब हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों, लिम्फ कैपिलरी भी इसी विलाई के आसपास होती है, जिनको लैक्टियल्स कहते हैं। देखो दो प्रकार के फ्लूड होते हैं हमारे शरीर में, एक ब्लड और एक लिम्फ। तो ब्लड को ले जाने वाला ब्लड कैपिलरी, लिम्फ को ले जाने वाला लिम्फ कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी में ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन लिम्फ कैपिलरी में फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट लिम्फ कैपिलरी इज प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड लैक्टेज। तो आपका सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, देखिए आपका ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, आपका अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो गया और आपका ये फैट भी एब्जॉर्ब हो गया। क्लियर? इसके बाद इस एब्जॉर्ब फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाना इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। क्योंकि बेटा हर जगह पर हमको एनर्जी की जरूरत होती है ना, कहीं पर पुराने टिश्यू रिपेयर होते हैं, कहीं पर नए टिश्यू बनने होते हैं, एनर्जी बनानी होती है, तो हर जगह पर प्रोसेसिंग करवाने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करवाने के लिए हमको फूड चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए यार। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है कि इस एब्जॉर्ब फूड को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करवाना। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड इनटू द वेरियस बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरी, काय-काय के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, रिपेयरिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए और ढेर सारी एनर्जी बनाने के लिए, कंप्लीट हो गया एसिमिलेशन भी। इसके बाद लास्ट पॉइंट इंजेशन। आपने इंजेशन किया, खाना खाया, डाइजेशन किया, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदला, एब्जॉर्ब किया, इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट है उसकी सहायता से एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया, एसिमिलेट का मतलब पूरी बॉडी में वो एब्जॉर्ब फूड को पहुंचा दिया, एंड द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड जो कि एलिमिनेट कर दिया जाता है, कहां से, कहां बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होता है अनडाइजेस्टेड फूड और वहीं से एनस के माध्यम से वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर निकाल लिया जाता है। खत्म हो गया आपकी मैकेनिज्म। तो थोड़े से पॉइंट देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा एब्जॉर्प्शन फूड का नहीं होता, वहां केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। 1 मार्क्स में डायरेक्टली बोर्ड पूछता है लार्ज इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो विलाई है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या विलाई नहीं होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में विलाई होती है, और विलाई अगर है तो इसका मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वेरी गुड। इसके बाद क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हेल्प्स टू पुश द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। भाई खाना एब्जॉर्ब कहां हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो
अनडाइजेस्टेड फूड भी कहाँ बचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहां से उसको पुश किया गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप लोगों को मैंने इसोफेगस में बताया था। इसोफेगस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। समझ लीजिए बच्चों, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये याद करो, इसोफेगस में भी बताया था मैंने कि इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, केवल ये रास्ता होता है मुंह से लेकर स्टमक तक में खाना पहुंचाने के लिए। तो आप भी तो ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड को पहुंचाने के लिए भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट टॉपिक आपकी न्यूट्रिशन का बचा है, जिसको हम लोग कहते हैं डेंटल कैरीज, और उसके बाद आपका 1/4 पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। बच्चों अबाउट डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज का मतलब होता है टूथ डीके। देखिए जब भी हम लोग कुछ मीठा खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, देखिए इसमें ऐड नहीं हो रहा, जब भी कुछ मीठा खाया, झंझनाहट पैदा हुई, सेंसोडाइन यूज करो, इट इज नॉट द ऐड, ये आपके सिलेबस का पार्ट है बच्चों, सीख लो। अगर हम लोग कुछ मीठा खाते हैं स्पेशली, तो वो हमारे दांत के पीछे वाले एरियाज में चिपक जाता है, और जब वो चिपकता है तो वहां पर एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो एसिड रिलीज करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे दांतों का जो ऊपरी लेयर होती है जिसको एनेमल कहते हैं वो खराब होता है, एनेमल के नीचे वाला पोर्शन डेंटाइन खराब होता है, और फिर धीरे धीरे हमारे दांतों में होल हो जाता है और पल्प कैविटी तक वो बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, जिसके कारण वहां पर सूजन आता है, पेन होता है, और हमारा दांत पूरे तरीके से खराब हो जाता है। इससे बचने का मात्र एक उपाय, प्रॉपर खुला करके सोना चाहिए, कोई चीज दांत में चिपकी हो तो उसमें ब्रश कर लीजिए, मंजन का यूज कीजिए, क्योंकि मंजन में बेस होता है वो ना, तो अगर कोई एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया वहां पर रहेगा भी तो वो गायब हो जाएगा। यस, तो हम लोगों का लास्ट टॉपिक इसको सीख लीजिए, दैट कैन कॉजेस ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटिन, मींस कि धीरे धीरे हमारा इनेमल दांत के ऊपर की लेयर और सेकेंड लेयर जो कि हार्डेस्ट लेयर है वो भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें सेकंड नंबर पे लिखा है, जो बैक्टीरिया शुगर प्रोडक्ट पे एक्ट करते हैं, अगर वो हमारे दांत पर एक्ट कर दिए तो वो क्या निकालेंगे, मुन्ना एसिड निकालेंगे, जिससे हमारे दांत डीमिनरलाइज हो जाएंगे, हमारे दांतों में कैल्शियम पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, वो सब खराब होने लगेगा, जिसके कारण डेंटल प्लाक बन जाएगा। और अगर ये अनट्रीटेड किया हम लोगों ने, जल्दी से इसमें नहीं कुछ यूज किया, मंजन वगैरह प्रॉपर नहीं यूज किया, दवाइयों का यूज नहीं किया, तो वो बैक्टीरिया पल्प कैविटी तक पहुंचकर, इन्वेड इन पल्प कैविटी का मतलब पल्प कैविटी के अंदर पहुंचकर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, जिसको हम लोग टूथ डीके कहते हैं। इस तरीके से आपका 1/4 चैप्टर यानी कि पूरा का पूरा न्यूट्रिशन टॉपिक खत्म होता है। ठीक, एक चीज बची है, जरा देख लो ना, एक चीज बस देखो, जो बाइल जूस की बात है, याद आया, बाइल जूस निकलता कहां से, सिक्रेटेड फ्रॉम, कहां से निकलता है, तो आपका आंसर होगा, बोलो, लीवर। वर्क कहां करता है, कहां करता है, बताया है यार, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, याद रखो भाई। लेकिन स्टोर कहां होता है, तो याद कर लो भाई, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, इसीलिए गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है तो हमारी बॉडी में फिर बाइल जूस वगैरह स्टोर नहीं हो पाता, और जब बाइल जूस स्टोर नहीं होता तो फिर एंजाइटी लगता है, मछली आ रही है, सब आ रही है, तो ये सब प्रोसेसिंग होती है। तो इस तरीके से मुन्ना आपका एक यूनिट कंप्लीट होता है। यूनिट मतलब बार बार एक ही बात को बोलेंगे कि इस चैप्टर में चार यूनिट है भाई, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, तो एक यूनिट इन टॉपिक्स के साथ खत्म होता है बच्चों। सो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ताकि बोर्ड तक आपको एकदम कंफर्म हो जाए, और उसके बाद 1 शॉट तो मुझे बना के आपको देना ही है। सो प्लीज लेट्स स्टडी इट, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच।